भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग कौन सा है? इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बेरावल बंदरगाह में स्थित है, जिसे हम सब सोमनाथ टेम्पल के नाम से जानते हैं। इस टेम्पल के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रदेव उनमें से केवल रोहिणी नाम की पत्नी से ही सर्वाधिक प्रेम किया करते थे। इस कारण उनकी अन्य पत्नियां दुखी रहने लगी। इस बात का पता जब प्रजापति दक्ष को लगा, तब उन्होंने चंद्रदेव को समझाया कि आप मेरी समस्त कन्याओं के साथ एक समान प्रेम रखा करें, लेकिन चंद्रदेव पर इस बात का कोई असर न हुआ। अंततः क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि आपको क्षय रोग हो जाएगा और आपकी काया धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने ब्रह्मदेव के कहने पर प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की घोर तपस्या की। चंद्रदेव ने शिवलिंग की स्थापना की, उनकी पूजा अर्चना की। चंद्रमा की कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप मुक्त करते हुए अमरता का वरदान दिया। इस श्राप और वरदान की वजह से ही चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता रहता है। कहा जाता है कि श्राप मुक्ति के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए हुए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की, तभी से शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा मात्र से ही पापों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस स्थान को प्रभास पट्टन के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में इस मंदिर को कई बार मुस्लिम शासकों द्वारा तोड़ा गया है और कई बार हिंदू राजाओं द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया गया है। ये मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान और पतन के इतिहास का भी प्रतीक रहा है। पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनेद ने तोड़वा दिया था और फिर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अरबी यात्री उल बरूनी ने अपनी यात्रा वृतांत में इस मंदिर के वृतांत के बारे में लिखा था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में अपने 5000 साथियों के साथ महमूद गजनबी ने इस मंदिर पर हमला किया और सारी धन संपदा लूट ली। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया।